अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए वाइटनिंग का एक ड्रिंक शेयर करूंगी। इससे गर्मियों में जो है गर्मी दूर की जाती है, मैदे को साफ़ किया जाता है, तो बातें साथ साथ होती रहेंगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्लेम को ऑन कर लिया, देन इसके ऊपर हम एक क्लीन बोल क्लीन देगचा रखेंगे और उसके ऊपर नेक्स्ट जो हमारा ड्रिंक बनने जा रहा है व्यूअर्स, वो है गुड़ से हम लोग वाइटनिंग ड्रिंक बनाएंगे। और ये क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसा ड्रिंक हो जिससे कलर भी फेयर किया जाए, जिससे जो है मैदे की गर्मी दूर की जाए। समर में, समर स्टार्ट होते ही फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उन सब का हल ये एक ड्रिंक है। तो व्यूअर्स, मैंने दो पेसियाँ ली हैं गुड़ की, पेसी इसको आम अल्फाज में बोला जाता है। तो उसके बाद हमने इसमें वाटर ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है, तकरीबन 2 इंच इससे ऊपर होना चाहिए। तो इसमें वाटर ऐड कर देंगे, देन इसको फर्स्ट बॉयल आएगा तो इसके ऊपर एक जाग बनेगी। उस जाग को हम किसी भी स्पून की हेल्प से रिमूव कर लेंगे, उतार लेंगे। और उसके बाद व्यूअर्स, इसके बाद जितनी भी झाग आए, उसके बाद फर्स्ट बॉयल के बाद जो झाग को रिमूव करने के बाद दोबारा जो झाग आए उसको रिमूव नहीं करेंगे। और व्यूअर्स, ये वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 7 डेज़ इसको अगर आप प्रॉपर यूज़ करें तो आपकी मैदे की गर्मी दूर हो जाएगी, आपके फेस पे जितने भी पिंपल हैं वो भी पिंपल भी 7 डेज़ के अंदर अंदर सिर्फ इस ड्रिंक को यूज़ करने से ठीक हो जाएंगे। मसाने की गर्मी के लिए, मैदे की गर्मी के लिए, जिस्म की गर्मी के लिए, जिनके हाथों पैरों पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मियों में, और जिनको सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ड्रिंक। और वाइटनिंग के लिए अगर इसको आप यूज़ करेंगे तो 7 डेज़ के चैलेंज में आपका कलर बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाएगा। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं हमारे घर में ये ड्रिंक बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप व्यूअर्स देख सकते हैं, पक कर पानी काफ़ी कम हो चुका है, मज़ीद 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, देन हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। व्यूअर्स, वाइटनिंग के लिए और मैदे मसाने की गर्मी को दूर करने के लिए, सीने की जलन को ख़त्म करने के लिए, फेस से पिंपल को रिमूव करने के लिए सबका एक ही मेथड है। इसी मेथड से जो है जब ये रेडी हो जाएगा, एक ही मेथड से इस ड्रिंक को बनाएं और आप इसको पिएं। और वाइटनिंग के लिए डे में किसी भी टाइम आप इसको बनाकर पी सकते हैं और इंस्टेंट वाइटनिंग 7 डेज़ के अंदर अंदर हासिल कर सकते हैं। तो इसको ठंडा हो चुका है, अब इसको एक क्लीन बॉल में निकाल लेंगे। मेरे पास एक क्लीन जग था, मैंने इसके अंदर निकाल लिया है। तो अब नेक्स्ट जो मेथड है वो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि इसको हमने किस तरह से इस ड्रिंक को यूज़ करना है। तो तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ये ड्रिंक। और बहुत ही इसका, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी अपनी मिठास होती है। और जैसे हम पियेंगे तो इसकी, अगर बहुत से लोगों ने इस चीज़ को जानते होंगे, रो का टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये ड्रिंक बनता है। तो इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून हमने ऐड किया है ड्रिंक, और उसके अंदर एक वाटर डाल देंगे और व्यूअर्स कुछ ड्रॉप्स इसमें लेमन के डाल देंगे। तो व्यूअर्स, इसको ड्रिंक को बनाने के बाद आप कूलिंग पे रख दें और जितना ज़रूरत हो उतना ग्लास में ऐड करें और पी लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है वाइटनिंग के लिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।